जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि रात के बज रहे थे 10 और मैंने दामनी को उसके घर से पिक किया था क्योंकि आज वो मेरे घर पर कर रही थी नाइट स्टे। तो हम लोगों ने एएमयू के साइड घूमे, उसके बाद हम लोग खाने गए गोलगप्पे जो कि हमारे फेवरेट है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम खाएं बड़ी ना खाएं, तो बड़ी ने भी खाएं। उसके बाद वहाँ पर हमने खाई दही चाट। दही चाट खाने के बाद मम्मा भी कुछ खा रही थी। एलविश यादव की जीतने की खुशी में हमने अपना मुंह मीठा किया और फिर देखिए कौन आया। रात के 12 बजे मेरे कजिन्स आए थे और मौसी, वो लोग दिल्ली से आए थे तो मिलने के लिए थोड़ी देर हमारे पास आ गए। फिर ऐसे ही हमने मज़े किए, बातें वातें करी थोड़ी देर और बड़ी को पियो ने खिलाया एंड खाना पीना खाने के बाद वो लोग चले गए। और ये भैया पप्पी को खाना खिलाने जा रहा था तो इसलिए उसके पीछे भाग रहे थे। फिर हमने घर पे आके खाना खाया और फिर रात के 4 बजे थे और हमें फिर भूख लग रही थी तो मैंने थोड़े से टमाटो काटे, उसके बाद मैंने प्याज को चॉप किया चॉपर में जल्दी जल्दी। उसके बाद मैंने एक चम्मच घी लिया और लहसुन और मिर्च को उसमें थोड़ी देर भून दिया, साथ के साथ मैंने उसमें जीरा भी डाला था। और ये सब चीज़ें भुनने के बाद मैंने इसमें प्याज डाली, प्याज डालने के बाद मैंने उसमें ऊपर से टमाटो भी डाला, टमाटो डालने के बाद मैंने थोड़ी देर चला लिया और मैंने स्वीट कॉर्न भी डाल दिया था। फिर स्वीट कॉर्न डालने के बाद मैंने उसको मिक्स वगैरह किया और फिर पास्ता डाल दिया डायरेक्ट। फिर मैंने उसके ऊपर पास्ता मसाला डाला जो ज़रूर डालें, इसके बिना तो टेस्ट ही नहीं है। और फिर मैंने क्रीम चीज़ डाला, उसके बाद मैंने खूब सारा टमाटो केचप डाल दिया। अब आया मेन इंग्रेडिएंट जो था हमारा चीज़। इसको मेल्ट होने के बाद मैंने ऊपर से ना धनिया भी डाल दिया था गार्निश होने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्ट आ गया था। एंड फाइनली हमारा पास्ता रेडी हो चुका था जो कि बहुत ही चीज़ी और टेस्टी था। तो प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए ट्राई करें। मैंने साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। और फिर दामनी ने बनाया था सूजी का हलवा, उसने काफ़ी सारे नट्स काटे, नट्स काटने के बाद उसने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा घी और इनको भून लिया नट्स को। फिर उसने सूजी डाली और काफ़ी देर सूजी को भूना, साथ के साथ उसने इलायची पाउडर भी डाल दिया था। उसके बाद उसने ऊपर से डाला शुगर और फिर पानी डाल के इसको काफ़ी देर चलाया और हमारा हलवा रेडी हो चुका था जो कि बहुत ही टेस्टी था, आप भी ट्राई करिएगा। और हम सोए सुबह के 6:30 बजे और 10:30 बजे मैं दामनी को गई छोड़ने उसके घर पर। तो ऐसे बीता हमारा पूरी रात का नाइट स्टे। तो गाइज इफ़ यू लाइक माई व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।